जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। खाना खाया? किसी भी पहर कॉल करती है, हमेशा सवाल एक ही होता है, खाना खाया नहीं खाया? ऑफ कोर्स खा लिया, शाम के 5 बजे। झूठा। अच्छा ये बताओ, इस बार ईद पे घर आ रहा है? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अब, करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ फिर भी आने की, है ना? चलिए मैं करता हूँ आपसे आराम से बात, ठीक है? सॉरी यार, मम्मी का कॉल था, पूछ रही थी घर पे आने का क्या सीन है इस बार ईद पे। क्या यार, ये ना ये सपने और ये जो ये काम है ना यार, इसकी वजह से यार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ गया भी है यार जिंदगी से। पता नहीं मिलेगा इसका वापस कब, लेकिन जो गया है ना उसकी कीमत बहुत बहुत भारी है यार। क्या बोलता है भाई? अब देख तू खुद सोच, ये जो अपने जो ये जो सपने हैं जिसकी वजह से अपन बॉम्बे में हैं, कितने त्योहारों के बलिदान दिए यार अब तक। अब देख पिछली ईद पे भी मैं इधर ही था, उससे पहले होली, उस टाइम देख क्या रहा है बे, मुसलमान लोग होली पे घर नहीं जा सकते क्या? उससे पहले अब देख, अब जो ईद आने वाली है इसमें मुझे कोई चांसेस लग नहीं रहे जाने के, आई मीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर पता है यार, मैं तेरे को एक बात बताऊं, ख्याल है भाई, थॉट है, मतलब समझना इसको। जब कामयाब हो जाएंगे ना तो तरक्की नाम का एक अलग सा त्योहार घर पे जाके मनाऊंगा यार, और बहुत ही फुर्सत और इत्मीनान के साथ, क्योंकि उस त्योहार में ना बहुत त्योहारों के जश्न की बलि बलि है, समझ रहा है? तो यार ऐसा सीन है। अच्छा सुन, जरा एक कप कॉफी बना दे, थोड़ा स्क्रिप्टिंग करके एक्टिंग सीन निकालते हैं, ठीक है?